तो आरएमएस या एवरेज वैल्यू के ऊपर बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मेन्स इन द हाउस आर मार्क्ड। मेरे घर में मेन से पीछे से जो बिजली आती है वो आती है 220 वोल्ट पे 50 हर्ट्ज पे। मैंने आपको ये सिखाया कि पीछे से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आती है जो कॉन्टिन्यूसली अपनी वैल्यू को चेंज करती है, पर फिर भी हम ये बोलते हैं कि मेरे घर में 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो फिर वो क्या, कौन सी वोल्टेज है? वो एवरेज नहीं है, वो कौन सी वोल्टेज है? ई आर एम एस। तो बाय डिफॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई भी वोल्टेज 220 वोल्ट गिवन है और वो मेंशन नहीं है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये वैल्यू आरएमएस वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो मीन वैल्यू है या इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, अगर कुछ नहीं मेंशन तो आरएमएस है। तो अगर मेरे घर में 220 वोल्ट आ रहा है तो हम कैलकुलेशन किसके साथ करते हैं? ई आरएमएस। तो ई आरएमएस गिवन है, साथ में क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। राइट डाउन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। पहले एक बात को समझ लें, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको ई एवरेज पूछे, एवरेज, तो आंसर है 0.637 इंटू ई नॉट। अगर वो आपसे ई आरएमएस पूछे तो आंसर है 0.707 इंटू ई नॉट, या फिर ई आरएमएस है ई नॉट बाय रूट टू, एक ही बात है। और कभी कभी ई नॉट क्या होता है? रूट टू इंटू ई आरएमएस क्रॉस मल्टीप्लाई, एक ही बात है। और अगर वो आपसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछे, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या करती जा रही है? चेंज। इसे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोलते हैं। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी वैल्यू देख ली। अब मेरे को क्या पूछा जा रहा है? मेरे से पूछा जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब है कि मैं इक्वेशन क्या यूज करूंगा? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मुझे ईएमएफ की इक्वेशन लिखनी है टाइम की फॉर्म में क्या होगी। तो मेरे को क्या चाहिए होगा? ई नॉट। अब प्रॉब्लम क्या है? मेरे को गिवन क्या है? 220 वोल्ट ई आरएमएस। मेरे को गिवन ई आरएमएस है, मुझे चाहिए ई नॉट। तो कोई बात नहीं, आपको ई आरएमएस गिवन है। अब ई आरएमएस होती क्या है? ई आरएमएस होती है ई नॉट बाय रूट टू। तो ई नॉट क्या होगा? रूट टू इंटू ई आरएमएस। ये लो, तो ई नॉट की जगह क्या पुट कर दिया? रूट टू इंटू ई आरएमएस। अब देखो ना, आपको रूट टू पता है आपको ई आरएमएस पता है, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी पता है, मल्टीप्लाई करके ये आंसर है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का। कोई डाउट इसमें? कैसे निकालनी है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, समझ में आ रहा है यहाँ तक? आयुष, क्लियर है यहाँ तक? तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालने का मतलब पता है क्या निकालना? ईएमएफ की इक्वेशन निकालना, साइन के फॉर्म में क्या इक्वेशन बनेगी उसको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोला जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट कर रहे हैं कितने वोल्ट पे? 12 वोल्ट डीसी। तो एक बल्ब है 12 वोल्ट डीसी पे चलता है। अब ये एसी नहीं है, ध्यान से, अब ये डीसी है, बैटरी से चलता है। अगर इसको हम कनेक्ट करें किसके साथ? एसी के साथ। वो कह रहे हैं डीसी की जगह एसी लगा दो, अल्टरनेटिंग लगा दो एंड गिव नॉर्मल ब्राइटनेस। कह रहे जी वैसे ही चल रहा है जो डीसी पे चलता था वैसे एसी पे चल रहा है। तो आपको क्या बताना है? पीक वैल्यू ऑफ सोर्स क्या है? जो एसी सोर्स है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? एक चीज याद रखना, जो डीसी वैल्यू है 12 वोल्ट वो एक कांस्टेंट वोल्टेज है ना, डीसी चेंज होता ही नहीं, ये तो कांस्टेंट वोल्टेज है। तो डीसी कांस्टेंट है, एसी के अंदर उस कांस्टेंट वैल्यू का इक्विवेलेंट आई आरएमएस होता है या ई आरएमएस होता है। मतलब डीसी में तो कांस्टेंट होता है डीसी 12 वोल्ट, एसी तो चेंज हो रहा होता है, तो एसी की कौन सी वैल्यू इक्विवेलेंट टू डीसी है? याद रखना आरएमएस वैल्यू। तो अगर वो ये कहता है कि डीसी 12 वोल्ट पे चलता है बल्ब, तो एसी के अंदर यही इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? ई आरएमएस। ठीक है, क्योंकि ई आरएमएस एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ई आरएमएस की वैल्यू 12 वोल्ट लेनी है। आपसे ये पूछ रहा है कि पीक वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ई आरएमएस क्या होता है? ई नॉट बाई रूट टू। तो ई नॉट क्या है? रूट टू इंटू ई
आरएमएस, ईआरएमएस पता है 12 इंटू मल्टीप्लाई करके आंसर आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या इसमें कैसे करना है? ठीक है, तो डीसी और एसी में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, पर अगर इक्विवेलेंट करंट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है डीसी से एसी, तो ईआरएमएस के साथ इक्वेट कर देना। नेक्स्ट है, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू 50 ओम रेजिस्टर इज गिवन। पीक वैल्यू का मतलब क्या गिवन है? ई नॉट गिवन है। तो आर पता है, पीक वैल्यू का मतलब ई नॉट पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है। कह रहे राइट इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, तो इंस्टेंटेनियस करंट होता क्या है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी। तो इसका मतलब अगर मुझे करंट की इक्वेशन लिखनी है तो मेरे को क्या चाहिए होगा? आई नॉट, मुझे क्या गिवन है? ई नॉट। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे अगर आई नॉट चाहिए तो मैं, मेरे पास दो तरीके। देखो एक चीज याद रखना, अगर मैं ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू को रेजिस्टेंस से डिवाइड करूं तो मेरे पास करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी आई नॉट। तो यानी कि अगर ई नॉट लेंगे बाय आर करेंगे तो आंसर आई नॉट आएगा। अगर मैं ई आरएमएस लूं तो मेरे पास आई आरएमएस आएगा। अगर मैं ई आरएमएस लूं तो मेरे पास करंट भी आरएमएस आएगा। अगर मैं ई एवरेज लूं तो मेरे पास करंट भी आई एवरेज आएगा। अगर मैं ईएमएफ इंस्टेंटेनियस लूं तो करंट भी मेरे पास इंस्टेंटेनियस आएगा। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? जैसी ईएमएफ वैसा करंट आ जाएगा। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है? ई नॉट और आर। तो एक काम करते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय आर। तो यानी कि 10 को 50 से डिवाइड करते हैं तो आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/5, और मुझे तो आई नॉट चाहिए, तो आई नॉट की वैल्यू 1/5 कैन बी कैलकुलेटेड, सीधा जाएगा। आई नॉट आ गया, आई नॉट की जगह पुट कर देंगे, इसे एम्पियर की जगह मिली एम्पियर निकाला है, ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है आंसर आ गया, करंट की इक्वेशन आ गई इंस्टेंटेनियस। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने क्या किया? पहले आई नॉट निकाल लिया, सही है, फिर उसने क्या किया? उसने आई आर एम एस भी निकाल लिया। पूछा उसने आई आर एम एस? हाँ पूछा है, उसने आर एम एस वैल्यू भी पूछी है। तो आर एम एस वैल्यू पूछी है तो कोई बात नहीं, आई नॉट तो आ गया, यहाँ से आई आर एम एस भी आ जाएगा, 0.707 इंटू आई नॉट आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है? फॉर्मूला यूज़ करना तो कुछ भी नहीं किया, तो आपके पास आई नॉट है तो वहाँ से आई आर एम एस कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट हो जाएगा उससे, सही है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट आर एम एस वैल्यू ऑफ दिस करंट। अब प्रॉब्लम यह है कि जो हमने फॉर्मूले याद कर रखे हैं 0.707 इंटू आई नॉट, ये साइन वेव के लिए याद किए हुए हैं, साइन ओमेगा टी, लेकिन ये साइन वेव नहीं है, तो आप अपना कोई फॉर्मूला इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें अगर आरएमएस करंट की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको इसमें आरएमएस करंट की वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम करें, करंट की पहले वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। करंट की बाद में वैल्यू कितनी है? -2 एम्पियर। करंट की बाद में वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। तो 3 इंटरवल हैं, 2, -2 और 2 के, और इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना। आरएमएस करंट क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। तो आप 3 तो करंट है टोटल, ये कौन सा टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं? 3 करंट की वैल्यू है, इनका स्क्वायर कर दें, इनका स्क्वायर करके 3 से डिवाइड करके इनकी एवरेज निकाल लें और फिर अंडर रूट ले लें, तो क्या बन गया? रूट मीन स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो साइन वेव नहीं है उसका कोई इलाज नहीं है, उसको तो ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय आई नॉट स्मॉल टी बाय टाउ। तो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, आई नॉट स्मॉल टी बाय टाउ, यानी कि स्मॉल टी के साथ आई की वैल्यू चेंज हो रही है। पर प्रॉब्लम ये है कि साइन वेव नहीं है, इसमें साइन कॉस नहीं है, इसमें नई इक्वेशन बना दी। मुझे क्या निकालना है? आरएमएस करंट निकालना है 0 से टाउ तक। आरएमएस करंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब मेरे को जो करंट की वैल्यू गिवन है वो नई सी वैल्यू गिवन है। अगर ये साइन गिवन होती क्या बढ़िया हो जाता, मैं आंसर आई नॉट बाय रूट टू बोल देता, पर मेरे पास वैल्यू क्या गिवन है? आई नॉट स्मॉल टी बाय टाउ। तो एक काम करते हैं, करंट की वैल्यू मुझे गिवन है आई नॉट स्मॉल टी बाय टाउ, मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है जब स्मॉल टी की वैल्यू 0 से लेके कहाँ पर है? टाउ तक है, ये क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास कोई फॉर्मूला तो यूज़ हो नहीं सकता, फॉर्मूला तो साइन वेव के लिए बनता है, ये तो साइन है ही नहीं, ये तो इंस्टेंटेनियस करंट ही कुछ और आ रहा है। तो आपको फिर वही फॉर्मूला बेसिक यूज़ करना पड़ेगा आई आर एम एस का। मैंने क्या करवाया था याद करो, फॉर्मूला रजिस्टर में आपने एंट्री भी की है इसकी, ऐसे याद है आर एम एस की डेफिनेशन यही थी, रूट मीन स्क्वायर की मैंने कहा था, ये नोट कर लेना। आर एम एस करंट इसलिए कहा था कल को अगर आई चेंज हो जाता है फंक्शन तो कम से कम बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगा। मेरे को कहाँ से कहाँ निकालना है, जीरो से लेके टाउ तक, जीरो से लेके टाउ, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मैं इसमें आई की वैल्यू को पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आई आर एम एस की वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मैं आई की जगह पुट करूँगा आई नॉट स्मॉल टी टाउ का स्क्वायर इनटू स्मॉल टी फ्रॉम जीरो से लेके टाउ, और डिनोमिनेटर सॉल्व करके तो सिंपली टाउ ही आने वाला है, बात ही खत्म है। मैं ऐसा करूँगा इसमें, ठीक है, तो ये करूँगा इसमें मैं। नेक्स्ट है, इसे मैं सॉल्व करूँगा कैसे, यहाँ से आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, टाउ स्क्वायर भी बाहर आ गया, टी स्क्वायर डी टी बच गया, जीरो से लेके टाउ तक डिवाइडेड बाई टाउ, अंडर रूट के अंदर है सब कुछ। नेक्स्ट है आई नॉट का अंडर रूट, आई नॉट स्क्वायर का अंडर रूट बाहर आ गया, टाउ भी बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ, जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये टाउ क्यूब बाई थ्री आएगा, क्योंकि टी क्यूब बाई थ्री में पुट करेंगे टाउ क्यूब बाई थ्री, और एक टाउ नीचे भी घूम रहा है, ये रहा। तो न्यूमिनेटर टाउ क्यूब बाई थ्री है डिवाइडेड बाई टाउ, ये कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर बन गया, तो मेरे पास आई नॉट बाई टाउ इन टू टाउ का स्क्वायर टाउ बाहर आ गया बाई रूट थ्री बच गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर आई नॉट बाई रूट थ्री इज द आंसर, दिस इज आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। नॉन मेडिकल वालों को एक रुपये की टेंशन नहीं है इस चैप्टर में, इंटीग्रेशन मैथ के टीचर करवाई देंगे तो उनकी तो वैसे समस्या ठीक है, मेडिकल वालों को ध्यान से देखना है, नॉन मेडिकल वालों को इंटीग्रेशन के बाद कुछ करना ही नहीं है तो कर ही लेंगे। बट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ पर। तो ये आपके पास आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू आ गई, और इतना एक्सपेक्टेड है, मेडिकल के लोग कहते हैं हमें आएगा, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको आती है, बेसिकली उनको ये चेक करना है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है इसके में क्वेश्चन नंबर सिक्स, अगर अफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट 50 हर्ट्स, क्या आगे मैंने फ्रीक्वेंसी इज, अफेक्टिव वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, आई आर एम एस, अफेक्टिव वैल्यू वर्चुअल वैल्यू आर एम एस वैल्यू एक ही बात है, तो अफेक्टिव वैल्यू आर एम एस वैल्यू है, व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्या किया था आई आर एम एस क्या होता है आई नॉट बाई रूट टू, तो आई नॉट क्या होता है रूट टू इंटू आई आर एम एस, तो आई नॉट रूट टू इंटू आई अफेक्टिव मल्टीप्लाई करके क्या आ गया पीक वैल्यू, बी पार्ट है व्हाट इज दी मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल, मीन वैल्यू तो बाय डेफिनेशन हाफ साइकिल के लिए ही निकलती है, तो मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है टू अपॉन पाई इंटू आई नॉट, तो आपको टू अपॉन पाई पता है, आई नॉट की वैल्यू आप ऊपर से निकाल ही सकते हैं, ए पार्ट से मीन वैल्यू भी आपके पास आ गई, तो एक आपके पास आई नॉट आ गया, एक आपके पास मीन वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है द वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1/300 सेकेंड, अब वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1/300 सेकेंड का मतलब कि आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस करंट यानी कि इतने टाइम पे करंट क्या होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करें इंस्टेंटेनियस का, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट की वैल्यू आपको 7.07 पता है, ओमेगा क्या होता है 2.2 फ्रीक्वेंसी पता है, और स्मॉल टी की वैल्यू पता है 1/300, जब आप ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे आंसर पाई बाय 3 आएगा, साइन 60° रूट 3/2 है, सॉल्व करके आंसर आ गया, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। मेथड समझ में आ रहा है कि फॉर्मूलाज कैसे यूज करने हैं इसमें, ठीक है यहाँ तक। जैसे क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, तो आपको
इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है ऐसे। आप एक काम करें, आप अपनी वैल्यू याद करें जो आपने इक्वेशन की थी। आपने इक्वेशन क्या की, ई नॉट साइन ओमेगा टी की, यहाँ से कंपेयर करके क्या निकल गया, ई नॉट। तो पीक वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई ई नॉट की, यहाँ से कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 300 रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा टी को 300 टी से जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा क्या आएगा, 300 आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, ई नॉट भी आ गया ओमेगा भी आ गया, सही है यहाँ तक, सही है। अब क्या निकालना है, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आ तो गई 140, मैक्सिमम वैल्यू 140। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, अब तो आई जाएगी। आरएमएस का फॉर्मूला क्या करवाया था, ई नॉट बाय रूट टू। आंसर लास्ट क्या करवाना है, फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो अगर ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सॉल्व करके इतना हर्ट्स आंसर आ जाएगा, इतने हर्ट्स आंसर है। समझ में आ रहा है, ओमेगा है तो फ्रीक्वेंसी भी आ गई, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस का मतलब आर गिवन है, इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ, ये क्या गिवन है, तो कुछ मेंशन नहीं है, तो ये ई आरएमएस है और ये क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। आपको अगर ई आरएमएस गिवन है, वो क्या कह रहे हैं, आरएमएस करंट निकालो। मैंने क्या सिखाया था, आरएमएस करंट इज ई आरएमएस बाय रेजिस्टेंस। अगर तुम यहाँ ई आरएमएस पुट करोगे तो करंट भी आए, आरएमएस आएगा, तो ई आरएमएस की वैल्यू 220 है, आई आरएमएस आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट इन द रेजिस्टर। मैक्सिमम करंट कितना है भाई, मैक्सिमम करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट है आई नॉट इंटू रूट टू इज आई आरएमएस, नहीं उल्टा हो गया, तो इसमें ऐसे करना पड़ेगा, आई आरएमएस इज आई नॉट बाय रूट टू। आई आरएमएस आपने फर्स्ट पार्ट से निकाल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई नॉट आ गया, आई नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपको बताना है टाइम टेकन बाय द करंट, समय निकालना है टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। तो करंट पहले मैक्सिमम वैल्यू हुआ होगा, फिर करंट की वैल्यू कौन सी हुई होगी, आरएमएस हुई होगी, समय कितना लगा ये क्वेश्चन है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस फॉर्मूले में आपको पहले करंट क्या करना है, आई नॉट मैक्सिमम करना है, तो तुम आई की जगह आई नॉट पुट कर दो और टाइम टेकन कितना है टी वन। तो यहाँ से आई कैंसिल, साइन ओमेगा टी वन क्या आ गया वन। ऐसा कब होता है जब ओमेगा टी क्या होता है पाई बाय टू, मैथ्स है, पाई बाय टू 90 डिग्री पे साइन 91 होता है, तो ओमेगा टी वन पाई बाय टू है, तो यहाँ से ओमेगा टी वन पाई बाय टू से टी वन निकाल लेना, फर्स्ट टाइम आ गया। फिर ये करने की जरूरत नहीं है, फिर सिंपल एक काम करो, आपको सेकेंड केस में करंट क्या करना है, आई आर एम एस, आई मैक्स से आई आर एम एस, आई मैक्स कर दिया टाइम आ गया, अब आई आर एम एस पुट कर दो, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी में, आई की जगह आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट कैंसिल, ओमेगा टी टू क्या हो गया वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू क्या होता है, वन बाई रूट टू इज 45, टी टू आ जाएगा। तो टी वन आ गया टी टू आ गया, इस ऐसा करने की जरूरत नहीं है, दोनों टाइम को माइनस कर लेना आंसर आ जाएगा, सिंपल है। आपको नाइन मैक्सिमम करंट का टाइम पता लग गया, पीक वैल्यू ऑफ करंट का टाइम पता लग गया, दोनों टाइम को माइनस करके टाइम डिफरेंस आ जाएगा, पीक वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू कितना कब होगी। इसके बेस पे आज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव शीट्स मिली हैं आपको, पहली शीट आपको यही मिली हुई है सारी, चेक कर लो सब्जेक्टिव शीट में, ये आपने अगली बार ट्राई करनी ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड का पेपर की ओपनिंग एक नंबर की इससे होने वाली है, मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। आई आर एम एस निकालो, पीक वैल्यू निकालो, एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है, ठीक है, तो ट्राई कर लेना ये, और ये पूरा चैप्टर आगे कंटिन्यू कर नहीं पाओगे अगर आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, 100% है, ठीक है यहाँ पर।